आदरणीय एसडीएम का श्री चौकिया जी, हरीश किशोर जी जो हमारे आप दोनों की अगुवाई में हमारे पचली शहर नगर पंचायत के विपक्ष के 13 नए पुष्पों का चयन नगर में किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार का जो चयन है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। 13 हमारे प्रतिपक्ष के सभासद आज अपने इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में ही शपथ लेंगे। हालांकि कुछ लोगों की इच्छा होती है कि बाहर दिखावा किया जाए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारी मर्यादाएं, हमारी संस्कृति, जैसा कि आपने देखा था 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब सदन में पहुंचे तो पहले सदन को शीश दबाया। यह लोकतंत्र का मंदिर है, आप इस इस मंदिर में आज हमारे 13 सभासद शपथ लेंगे। किसी प्रकार का दुखावा नहीं, सीधे साधे समारोह में आज हम यहाँ उपस्थित है। 13 महीने आप सभी लोग से अनुरोध करता हूँ और बधाई भी देता हूँ आज की शपथ ग्रहण समारोह में कि 13 सभासद 13 महीने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो नगर मछली शहर में एक नया संदेश जाएगा और पूरा नगर, जैसा कि आपको 9,500 वोट देकर आज यहाँ प्रतिपक्ष में बैठाया है, आपके हिसाब से सदन करेगा। वोट और आपका ये मिनी सदन बहुमत का महत्वपूर्ण रोल होता है। आप सभी सदन के जैसे उच्च सदन होता है ऐसे प्राथमिक सदन राजनीति का प्राथमिक पाठशाला के रूप में यह नगर पंचायत का सदन होता है। आप सभी लोग नगर के विकास कार्यों में पूरी तरह सकारात्मक भूमिका के साथ अपना सहयोग देंगे, ऐसी सभी लोगों से अपेक्षाएं हैं और यह सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों के बीच मछली शहर नगर की 5 मात्र शक्तियों का भी चयन हुआ है जो दुर्गा के रूप में सदन में उपस्थित है। मैं आपको बता दूं, आज इस नगर पंचायत के सभागार में हम लोगों के बीच जो लोग शपथ लेंगे, जो लोग आज शपथ लेंगे उनमें 2 लोगों का शपथ कल हुआ है, लेकिन आज इस लोकतंत्र के मंदिर में जिन 13 लोगों का शपथ होना है उनका मैं क्रमवार नाम ले रहा हूं। आपके बीच है, आप सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच है, आप सभी लोग अपने आदरणीय सभासदों को एक बार देख लें। श्रीमान गुलाबचंद जी पूरा जीआई से सभासद है, आज जोड़ने सबसे कालिया जी से, श्रीमती सुशीला जी जहां आप बैठे हैं नगर पंचायत का जहां कार्यालय है इस कार्यालय वार्ड से श्रीमती सुशीला जी है और मछली शहर के 5वीं बार सभासद हुए हैं हमको पता लगता है श्रीमान डॉक्टर हसान साहब कबीरा वार्ड से है, जोरदार तालियां दीजिए। मैं इनको प्रेम से वृद्ध बालक जी कहता हूँ और बहुत ऊर्जा है। श्रीमान शरीफ जी श्रीमान फराज सिद्दीकी जी, नवोदित नौजवान ऊर्जा से परिपूर्ण कोतवाली से आप सभासद है, श्रीमती रेशमा परवीन जी आप शादी दक्षिण से सभासद है, श्रीमती मोनिका जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता
पंचायत प्रबंधन की आप श्रीमती जी हैं, श्रीमान वीरेंद्र जी जिनको प्रेम से हम लोग विधायक कहते हैं, वीरेंद्र मौर्या जी थोड़ा धोती से हैं, श्रीमती गीतांजलि सराय से सभासद हैं जो श्रीमान जी से आई है, आदरणीय गोविंद पटवारी जो बजरंग दल के विभाग से योग हुआ करते थे उनकी पत्नी है, श्री जिया मोहम्मद जी हमारे अलवियाना वार्ड से हैं, आप भी दूसरी बार चुन के आए हैं, श्रीमती गीता जी हम लोगों की पुरानी बजाय से आज सभासद हैं, श्रीमान कुश मोहनवाल जी की आप धर्मपत्नी हैं, श्री जुबैर जी पहली बार सभासद हुए हैं, आप साहिबजादा से हैं और पुराने देश सरदार नौजवानों के नेता हम लोगों के नेता श्रीमान और मोहम्मद जी इस उनकी माता जी भी सभासद रही है, इनके पिताजी आपको पता है मछली शहर नगर के सबसे लोकप्रिय चेयरमैनों में से एक आदरणीय पूजनीय वसीउल हसन साहब जो कि कभी यहाँ के चेयरमैन हुआ करते थे, आप उनके पुत्र हैं। ये सभी 13 रथ आपके नगर में दिए हैं और थोड़ी देर में इन 13 रथों का शपथ ग्रहण होने वाला है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी लोगों का स्वागत करें। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, आप सभी से अनुरोध है थोड़ा सा ध्यान रखे, हमारे यहाँ परंपरा रही है सभ्यता रही है, गुरु जी बिना काल के कुछ होता नहीं, आप महाकाल के भी आप नहीं रहेंगे तो काम नहीं। देखिए हमारी सभ्यता रही है, हमारी संस्कृति रही है कि हम मातृशक्तियों को प्रथम स्थान देते हैं, इसलिए आज पहले हमारी मातृशक्तियों का शपथ होगा, इसके बाद हमारे जो सभासद जी लोग हैं उनका शपथ होगा। मैं अनुरोध करूंगा अपने आदरणीय श्रीमान चौरसिया जी से कृपया शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजन करें। आगे भैया Thank you.
सभी मीडिया वाले फोटो ले रहे Thank you.
Thank you.